हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ स्किन केयर के बारे में बताया था जो ऑयली स्किन के लिए था। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप थोड़ा सा आपकी स्किन में एजिंग हो रही है तो आप क्या अप्लाई करो। तो इसमें भी मैं कोई कॉस्मेटिक नहीं बताने वाली हूँ, मैं इसमें स्किन केयर बताऊँगी। और ये जो स्किन केयर मैं आपको बताऊँगी वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सजेस्टेड है मेरे लिए। मेरी एज इस समय 45+ है और उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा शौक है स्किन केयर का, तो मैंने उससे सजेशन लिया कि डियर क्या करूं जिसमें कि थोड़ी सी स्किन मेरी सैगिंग ना हो, प्रिंकल्स ना हो। तो उसने बोला कि नहीं, ये तुम्हारे ही लिए नहीं, जिनकी भी स्किन ड्राई है वो ये अप्लाई कर सकता है। और इसको मैं काफ़ी समय से अप्लाई कर रही हूँ, आप देखोगे तो मतलब हाँ 3-4 महीने हो गए और इससे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर कर लूँ और आप भी करके देखो, अगर अच्छा लगेगा तो बताना मुझे। तो फेस वॉश पहला स्टेप होता है, हर स्किन केयर में पहला स्टेप जो होता है वो आपका होता है फेस वॉश। तो फेस वॉश आप कीजिए और अभी आपको ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है कि उस वो नॉन ड्राइंग हो, आपकी स्किन को फर्दर ड्राई ना करे। अगर स्किन आपकी फर्दर ड्राई होगी तो रिंकल्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है लाइट ग्लो, ये ग्लेनमार्क का है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। ये कह रहे हैं कि लाइट ग्लो फेस वॉश फॉर अ रिफ्रेश्ड एंड रेडिएंट लुक एंड जेंटल एक्सफोलिएटिंग नॉन ड्राइंग स्किन सॉफ्टनिंग। और वास्तव में अगर आप इसको अपने हाथ पे लेके उंगलियों पे रब करके अपने फेस पे मसाज करो और 1 मिनट के आसपास मसाज करो और उसके बाद उसको धो दो, आपका फेस बिल्कुल मॉइस्ट और एकदम से मतलब आप फील करोगे कि जैसे सॉफ्ट हो गया। उसके बाद टोनर जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी टोनर जो आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद मॉइस्चराइज़र। अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जो हमें सूट करे, जिससे हमारे फेस पे एक एक्ने ना हो, हमारे फेस पे दाने ना हो। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मेरा सिटाफिल। ये बहुत पुराना फेस मॉइस्चराइज़र है और ये इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, हाइड्रेटिंग फॉर डेली यूज एंड नॉन ग्रीजी, नॉन इरीटेटिंग एंड वोंट क्लॉग द पोर्स एंड हाइपो एलर्जेनिक। तो आपके ये यूज़ करने के बाद आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते और बहुत लंबी लास्टिंग तक ये मॉइस्चराइज करता है, बहुत देर तक। ये जो हमारे स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनका मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और इसका प्राइस है 375 रुपीज़। और किसी भी तरह का आपके फेस पे ये दाने वगैरह इसके यूज़ करने से नहीं होगा, दाने वगैरह नहीं होंगे और स्किन आपकी एकदम रिफ्रेश और हाइड्रेटिंग रहेगी। तो आप सुबह शाम ये लगाइए और जैसा मैंने बताया आप अपने फेस पे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो आपके फेस की बैंड तो बजनी ही बजनी है। तो सनस्क्रीन आप लगाओ और वही जो पहले बताया था फेस गार्ड, इन सब के लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप इनके नाम चाहे तो नोट करके मेडिकल स्टोर से ले सकते हो या आप जब ऑनलाइन अवेलेबल हो तो आप ऑनलाइन भी इनको ले लेना। और जो फेस गार्ड है उसमें SPF 30+ है और ये एबॉट की है। इसको आप लगाओगे ना तो जनरली आपके जो वो होते हैं सनस्क्रीन होते हैं वो स्किन को ड्राई कर देते, वो चिपचिपा करते हैं और वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं करता और देखिए एकदम मर्ज होता है। तो ये जैसे प्राइमर होता ना उस तरह का काम करता है ये। तो आप ये लगाइए, डे में आपका ये हो गया, रात में सोते समय फिर आप अपना फेस वॉश कीजिए, टोन कीजिए। और उसके बाद एक बहुत अच्छी क्रीम है एंटी एजिंग, जो कि हमें लगता है 30 साल के बाद कि हर लड़की को ये अप्लाई करना ही चाहिए। इसका नाम है डेमेलान क्रीम, ग्लेनमार्क की है, ठीक है। और इसमें जो कंपोजिशन है वो ग्लाइकोलिक एसिड, आर्बिटिन, कोजिक एसिड, डाई पामिटेट,
ग्लाइकोलिक एसिड एंटी एजिंग का काम करता है, ये आपकी स्किन को पील करता है, तो उससे जो रिंकल वगैरह फेस पे पड़ रहे होते हैं वो हट जाते हैं। कई बार आप शुरुआत आपकी जो शुरुआत होती है रिंकल की वो आपके फोरहेड से होती है या क्रोलम ये आँख के इधर से, तो ऊपर वाले की दया से शायद अभी मुझे रिंकल नहीं आ रहे हैं। और सच बताऊँ मैं अपने स्किन की केयर करती हूँ। देखिए कॉम्प्लेक्शन गोरा है या काला वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपनी स्किन की कैसे केयर कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है ना, तो वो तो हम कर सकते हैं। कोजिक एसिड है जो कि आपके पिगमेंटेशन जो है स्किन पे उनको कम करता है। पर एक चीज़ बोलूँगी, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर रात में कोई भी एंटी एजिंग आप लगा रहे हो तो सुबह सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, नहीं तो सब किया जरा बराबर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये रूटीन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं कई कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।